तो हेलो गाइस, आज का व्लॉग करते था मैंने सुबह से शुरू। और यहाँ पे मम्मी जो है आज सुबह ब्रेकफास्ट में राजमा और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पे जो है जीरा भून रहा था, ये तो आप देख सकते हैं। ये इसमें ना दिख नहीं रहा था, मतलब कि नीचे से इसका जो है ऐसे थोड़ा ऊपर से को इसका मुँह कुकर का ना, तो इस करके तो यहाँ पे जो है थोड़ा ऐसे ब्राउन सा तो हो गया था। तो अब यहाँ पे जो है मम्मी ने वैसे सारा जो इसका छोंक था वो तो तैयार कर ही लिया था राजमा का, तो ये थोड़ा भून सा गया था। तो इसमें मम्मी ने जो मसाला तैयार कर रखा था वो डाल दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस उसके बाद ये पक जाता है और फिर मम्मी टमाटर वगैरह जो भी डालते हैं इसमें, फिर उसके बाद जो है इसमें सिटी सुट्टी सी लग जाती है कुकर में और बन जाता है राजमा। तो गाइज़ यहाँ पे और था सुबह सुबह का टाइम, तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के, तो मम्मी लगी थी आज किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो है मम्मी कपबोर्ड साफ़ कर रही हैं। इसको कपबोर्ड को साफ़ करे हुए 1-1.5 महीना हो गया था, और इसको साफ़ साफ़ करने में ना मम्मी को 1.5-2 घंटा लग गया था गाइज़। और तो मम्मी ने पहले जितने भी इसमें सारे बर्तन लगे हुए थे पहले उनकी डस्टिंग करी, उनको अच्छे से क्लीन वगैरह करा, फिर इस कपबोर्ड को करा। तो आप देख सकते किचन में सारा सामान ऐसे बिखेर रखा था पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मम्मी जो है डस्टिंग कर रही थी, और मैं मम्मी से थोड़ी बात भी कर रही थी कि कितना ज़्यादा टाइम लग गया आपको ये सब करते करते। तो गाइस उसके बाद जो है मैं अपना ना मेरे जो एग्ज़ाम है मतलब कि उसकी जो है तैयारी कर रही थी, यहाँ पे पढ़ रही थी मैं थोड़ा। आप देख हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग कर रहे हैं हम अभी से शुरू। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने आज किचन की क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से, और जो है किचन तो अच्छे से क्लीन हो चुका है। आज मम्मी ने ना मतलब कि मम्मी को पूरा 1-1.5 घंटा लग गया पूरा ये कपबोर्ड साफ़ करने में। सिर्फ अभी आज आज में ये हो पाया है, और थोड़ा बहुत बस रैंक की डस्टिंग हुई थी और बर्तन थोड़े से साफ़ हुए थे, बाकी ये स्लेप वगैरह के कवर ये सब अभी भी रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं मम्मी ने ये सारी के सारे एक एक करके पहले इनकी डस्टिंग करी अच्छे से, जितनी मतलब एक एक 2 महीना हो गया था इनमें ऐसे डस्टिंग करे हुए, तो ना ऐसे थोड़ी थोड़ी डस्टिंग सी हो रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी ने सारे डब्बे जो हैं वो एक साथ ऐसे अच्छे तरीके से लगा दिए, कप भी एक जगह रख रखे हैं, और जो स्टील वाले गिलास हैं इनमें हम जैसे कि कहीं चाय चुए ले लेते हैं, और ये भी मम्मी ने अच्छे से रख दिए। और ऊपर वो कांच के हैं जो ये कांच के डिब्बे हैं, ये भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है मम्मी ने इसकी। और आज मम्मी ने बस और ये रैंक साफ़ करा था ये, और अभी जो ऊपर की जो स्लेप है वगैरह है ये तो अभी रहती है साफ़ करनी, और इसी में मम्मी को जो है 1.5-2 घंटे लग गए हैं इसी साफ़ करने में। और यहाँ पे देखो ये जो है सोफे की वो थी है बैठने के लिए स्टूल टाइप में ही है ये भी, ये रखना है अभी वहाँ पे सोफे वाली जगह पे, उसके साथ थी है दो सोफे के साथ, तो हम वहाँ पे चलो इसे रख देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसे रख दिया, और मैं आपको आज एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये पहले इधर तो मम्मी का फ़ोन रखा हुआ है, तो गाइज़ ये देखिए ये मम्मी ने बनाया था। वैसे तो ये थोड़ा सा ना गंदा हो गया क्योंकि ना इस पर ना मिट्टी वगैरह जम गई है। मम्मी ने इसको बनाया था, हो गया इसको बनाए हुए 1-1.5 महीना तो हो गया होना। तो देखिए गाइज़ मम्मी ने ना ये इसके ना फूल बनाए थे पहले, तो आप देख सकते हैं इसे छोटे 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 से, और फिर ना उन पे ना सब पैसे स्टोन लगाया, और फिर ना ये मम्मी ने खुद ही बुना था, और इसे ना हम ऐसे टेबल पे रख देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये। और मम्मी ने ना एक ये भी डेकोरेट करी थी, राहुल ने ना इसके ना जो मेरा भाई है ना राहुल, उसने ना इसके आधे स्टोन ना निकाल दिए, ये ना मम्मी ने इसमें ना सारे में स्टोन स्टोन लगा रखे थे और मिरर थे, और ना राहुल ने ना आधे निकाल दिए हैं। और ना मम्मी ने ना 2 बोतल और डेकोरेट करी थी, ये वाली बोतल अभी बच रखी है राहुल से, क्योंकि ना ये यहाँ पे रखी रहती है, वो जैसे ही सोफे पे बैठता है ना तो उनमें निकाल देता है। तो यहाँ पे देखिए आप ये मम्मी ने करी थी 2 बोतल ये भी डेकोरेट अच्छे से, इसमें से भी देखिए आप आधे स्टोन राहुल ने निकाल दिए, पर देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, ये होगी और एक इसके साथ की ये होगी, देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों की दोनों बोतल। ये मम्मी को ना ऐसे काम करना अच्छा लगता है, सजाना वगैरह करना है सब। और अब तो मम्मी ना इसकी डस्टिंग ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि ना मम्मी की ना हो रहा है।
गाइज आज मम्मी ना ज़्यादा डस्टिंग कर नहीं पाई इस बाहर वाली अलमीरा, क्योंकि ना मम्मी के ना जाड़ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। रात भी हुआ था, रात पूरी रात रहा मम्मी के, सुबह सुबह तक, सुबह के 5-6 बज गए थे और फिर थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, फिर क्या जैसे ही काम करा फिर हो गया। तो मम्मी अपनी जाड़ निकलवाने के लिए गाइस कल जाएगी या फिर आज शाम को जाएगी। तो पहले तो जो डॉक्टर है वो सीधा जाड़ को निकालेगा तो है नहीं, पहले तो इसकी दवाई देगा दर्द की और फिर जो है मम्मी की जो है जाड़ निकल जाएगी। जाड़ के दर्द से ना बड़ी परेशानी होती है, कोई काम नहीं हो पाता, पर मम्मी ने फिर भी कर लिया सारा काम। और यहाँ पे मेरी चुन्नी रखी है, इसे मैं रख देती हूँ। और गाइस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, आप देख सकते हैं मेरी कैसी हालत हो रखी है, आप देख सकते हैं ऐसे सारे बाल बिखर रखे हैं, मुँह भी कैसा सा हो रखा है अजीब सा, क्योंकि ना अभी अभी मैंने ना अपना ना जो भी मतलब कि मेरा एग्ज़ाम है ना 8 को, तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी, थोड़ा बहुत मैंने उसका पढ़ा था। तो अब जाती हूँ मैं नहाने के लिए, नहाने के बाद ना खाना खुना खाते हैं। और आज ना सुबह सुबह मम्मी ने बनाया था राजमा और आलू, राजमा आलू के साथ हमने जो है परांठे खाए थे गाइस। तो अभी चलते हैं, पहले तो मम्मी से पूछते हैं कि ना मम्मी के जाड़ के दर्द में लगा थोड़ा आराम, क्योंकि ना मम्मी के बहुत ज़्यादा हो रहा था जाड़ में दर्द। यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ना ऐसे बेसुध होके पड़ी हुई है, क्योंकि ना मम्मी की जाड़ में ज़्यादा दर्द हो रहा था। हुआ थोड़ा आराम। मैंने ना गाइस मम्मी को ना एक पोहा, तो गाइस मैंने ना मम्मी को एक पोहा दिया था बना के जाड़ के दर्द के लिए, थोड़ा सा उसमें रूई वगैरह में ना नमक और थोड़ा ना सरसों का तेल और हल्दी लगा के, कि ना मम्मी का ना ज़्यादा हो रहा था दर्द कि चलो उससे थोड़ा आराम लग जाएगा, तो मम्मी को उससे थोड़ा आराम तो लगा अभी के लिए। तो चलिए गाइस मैं तो जा रही हूँ अभी नहाने, फिर करते हैं आपसे बात और जो मैं काम करती हूँ वो दिखाते हैं आपको बाद में। इधर मैं हो गई हूँ नहा के तैयार, मैंने जो है कंघी कर लिया और जो है दूसरे कपड़े मैंने जो है वो डाल लिए। और अभी मम्मी कह रही है कि मुझे तो खाना डाल के दे दे, तो मैं मम्मी को जो है खाना डाल के देती हूँ। अभी मम्मी जो है कपड़े जो है वो सुखा रही है बाहर तार पे, दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आपने देखा मम्मी जो है वो वहाँ पे बाहर जो है कपड़े सुखा रही थी, तो अभी मैं मम्मी के लिए खाना डाल देती हूँ। और खाने में वही है, मम्मी ने जो सुबह सब्जी बनाई थी आलू राजमा की और रोटी बना रखी है, तो हम जो है अपना खाना जो है डाल देते हैं। तो गाइस इधर मैंने मम्मी का खाना जो है डाल दिया और अभी जो है मेरे को तो अभी भूख है नहीं है इतनी, तो मैं अभी थोड़ी देर में खाऊँ। गाइज़ अभी तो मुझे इतनी भूख है नहीं है, तो इसलिए मैं तो खाना थोड़ी देर में खाऊंगी। और मैंने मम्मी का खाना जो है डाल के दे दिया था, तो अभी मम्मी जो है खाना खा लेगी और थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, क्योंकि ना मम्मी की जाड़ जो है वो दुख रही है ना आइस करके, तो जब मुझे भूख लगी मैं तब खा लूँगी। गाइज़ मिलते हैं आपको शाम के टाइम। नीचे कुछ जाने हैं अच्छे वाले नीले में, कुछ माल लगा बजा कुछ हुआ माल तो दूसरा है नीचे है कढ़ाई वाला। गाइस डिब्बे में जो है चीनी नहीं है, मैं मम्मी से पूछती हूँ कि चीनी का पैकेट है क्या कि नहीं है। मम्मी चीनी का पैकेट है? तो गाइस चीनी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो मैंने जितनी चीनी थी उसमें 2-3 चम्मच बस वही डाल दिया, क्योंकि मिठा वैसे भी इतना ज्यादा तो हम पीते नहीं है, पर देखते हैं अगर कम हुआ तो फिर क्या करते हैं। पर मैंने डाल दिया जितनी थी चीनी उसमें सारी डाल दी मैंने, वैसे थे वैसे तो 2-3 चम्मच थे। और यहाँ पे हमारी जो है चाय वो पक रही है, तो जब पक जाएगी चाय तो उसमें डाल देंगे हम दूध। और यहाँ पे राहुल देखो कैसे सो रखा है, इसे कोई काम ही नहीं है, सोता ही रहता है। और बाहर की देखो गाइस सुबह सुबह मम्मी ने सोफे सेट करे थे, तो यहाँ पे ये राहुल ना सारा कुछ ही खराब कर देता है, तो देखो अब सेट हो गया अच्छे से, देख सकते हैं आप। और एक ना तो गाइस जो एक वो सूट वाला भैया आया था मम्मी ने उसे जो अपने लिए एक सूट लिया, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कौन से वाला लिया मम्मी ने। तो गाइस ऐसे मुझे इसका कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सूट का, आप देख सकते हैं, पर मम्मी कह रही है कि ठीक है इसका कपड़ा, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा इसका ये कलर, बाकी पता नहीं कैसा लगेगा ये। तो मैंने कहा मम्मी को कि अगर वो दूसरे उसमें ले आएगा कलर कूलर में तो ठीक है, वरना आप इसे चेंज कर देना।
सूट का कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका कलर थोड़ा वैसे ही है, ग्रे टाइप में ही है, और कहीं धोके तो कलर वैसे भी ना निकल जाए तो और भी हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी जो है चाय पक चुकी है, और अब हम इसमें डाल देते हैं दूध थोड़ा सा। मैंने दूध डाल दिया और ये यहाँ पे पक रही है, और मम्मी देखो ये क्या लिया है, वॉल पेपर लिया है। मम्मी कह रही कि ना इसे ना यहाँ पे चिपका देंगे, अच्छा लगेगा। अब इसमें इतनी झंझट कौन करेगा, ठीक है ऐसी पेंट हो जाएगा इसमें तो। पेंट के लिए बोल तो दिया आपने, पूछूंगी भी तेरे पापा उस पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो लगाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस अभी हम सोच रहे हैं कि पेंट कराएं कि ना कराएं। वैसे मम्मी तो कह रही कि पेंट ना करा लेते हैं, ठीक रहेगा। तो गाइस यहाँ पे ना चाय रखी है, ये मेरी है और ये मम्मी की, और राहुल की है जो मैंने वो वहीं पे रख दी किचन में, ढक के रख दिया है, जब वो उठेगा तब उसे दे देंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टीवी, और यहाँ पे बैठी है मम्मी। और गाइस कल ना एक आंटी थी, वो जो है शादी में से मिठाई लाई थी हमारी। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले। बाय बाय गाइस।